मौलाना तौकीर से हुई थी बात। मौलाना ने कहा कि कानपुर प्रदर्शन से पहले किया था फोन, जफर हरायत नहीं था शामिल। नुपुर शर्मा के समर्थन में बीजेपी की सदस्यता छोड़ी, हिंदू दल के अध्यक्ष ने कहा कि जेपी नड्डा में दम है तो ओवैसी और मदनी को गिरफ्तार कर पीएफआई पर बैन लगवाएं। विश्वेश्वर की पूजा के लिए स्वामी चौथे दिन अनशन पर अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, जब विचाराधीन कैदी को भोजन पानी पहुंचाता है तो शिवलिंग को क्यों नहीं। अम्बेडकर नगर से मुंबई जा रहे परिवार हादसे का हुआ शिकार, सुल्तानपुर में कार चालक को आई झपकी, खाड़ी में पलटी कार, एक ही परिवार के 5 लोग घायल। यदि नरसिंहानंद को पुलिस प्रशासन का नोटिस, विवाद बयान पर कार्रवाई की चेतावनी, यति ने 17 जून को जामा मस्जिद जाने का किया ऐलान। यदि नरसिंहानंद के बयान से मचा हड़कंप, नुपुर शर्मा का किया समर्थन, विवादित बयान पर कार्रवाई की चेतावनी, यति ने 17 जून को जामा मस्जिद जाने का किया ऐलान। जालौर में जबरिया शादी, प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था प्रेमी, घर वालों ने पकड़ कर पीटा, फिर पंचायत में सुनवाई के बाद हुआ विवाह। बुलडोजर चला तो सिर पर कफन बांधकर मैदान में निकल आएंगे, कानपुर हिंसा पर हाजी अब्दुल कद्दूस का बयान। उन्नाव में 13 साल की दलित लड़की की हत्या, रेलवे ट्रैक पर मिला शव, रेप की भी आशंका। रोडवेज बस में भीषण आग, वीडियो हुआ वायरल, डीजल टैंक से चलती बस में भड़की आग, 30 यात्रियों ने चलती बस से कूद कर बचाई जान। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का सहनसा, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।